Hello students, today we are going to discuss an important topic in molecular genetics, that is transcription. Transcription. In the previous lecture we have studied about the DNA replication, how new DNA is formed from the existing DNA. So before moving towards this topic, that is transcription, we will show here a line diagram that shows about the various processes that will take place in the molecular genetics. Firstly, we write DNA, and from this DNA another DNA is formed, and this process we have studied in the previous class is known as replication. From this DNA, the mRNA is to be formed, and the process of the formation of that is RNA from the DNA is called as transcription. That we called as the transcription. And from this RNA, the proteins are to be formed. And this process is called as translation. What we called it as the translation. अब हमने यहाँ पे देखा कि DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम replication बोलते हैं, ये हमने previous class में पढ़ा हुआ है. अब क्या पढ़ेंगे कि DNA से RNA कैसे बनता है, उस प्रोसेस को ही हम transcription बोलते हैं, फिर RNA से protein जो कि translation होता है. अब इस line diagram में मतलब ऐसा नहीं होता कि DNA से DNA बनना, DNA से RNA बन रहा है, तो RNA से DNA भी बन सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है मतलब कुछ वायरसेस में होता है, जैसे HIV वायरस कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है, ठीक है. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है एक एंजाइम से, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम. ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम. और ये एंजाइम मोस्टली वायरसेस में प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस में, ठीक है. तो इस होल लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. जैसा कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने बताया था कि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता. ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, और उससे मतलब उसी से क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी. अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो वो वाला एंजाइम जो इनको मतलब इन हेलिक्स को ओपन करता था, उस एंजाइम का नाम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है. लेकिन ये एंजाइम तब यूज हुआ था जब डीएनए ने रेप्लिकेशन करनी थी. अब यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो वो एंजाइम सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है. तो इसलिए अब इन हेलिक्स को ओपन करने के लिए अगर ये मतलब इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करनी हो तो यहां पर क्या यूज होगा, कौन सा एंजाइम यूज होगा, दैट इज आरएनए RNA पॉलीमरेज. यहां पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, RNA पॉलीमरेज, ठीक है. नॉर्मली RNA जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज RNA, mRNA एंड द tRNA, ठीक है. अगर RNA बनना हो तब कौन सा पॉलीमरेज यूज होगा, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट. अगर mRNA बनना है तब RNA पॉलीमरेज सेकंड यूज होगा. अगर tRNA बनना है तो RNA पॉलीमरेज थर्ड यूज होगा, ठीक है. तो नॉर्मली हम यहां पे क्या स्टडी करेंगे, mRNA के बनने को. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. अगर हमारे को mRNA बनाना है तो RNA पॉलीमरेज सेकंड यूज होगा, इनकेस हमें mRNA बनाना है, ठीक है. तो DNA रेप्लिकेशन क्या होता था कि मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे रेप्लिकेशन प्रोसेस में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि कुछ पार्ट जो होगा DNA का वही क्या करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, और वो क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, ठीक है. हमारे पास में दो साइड्स होती हैं DNA में, दैट इज प्रमोटर साइट और द टर्मिनेटर साइट. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर. दो साइड्स होती है, प्रमोटर साइट और द टर्मिनेटर साइट. तो यहां से क्या होगा कि जो mRNA का प्रोसेस है वो बनना स्टार्ट हो जाए. यूकेरियोट्स में जो क्या होता है कि हमारे पास में हेटरोजीनियस mRNA बनता है. हेटरोजीनियस mRNA वो होता है जिसमें इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द एक्सॉन्स.
जिसमें क्या होता है इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द एक्सॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स वो होते हैं जिसमें मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और एक्सॉन्स वो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस हिट्रोजीनियस एमआरएनए को फर्दर मॉडिफाई कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग और टेलरिंग। सपोज अगर हम ये मानते हैं कि ये एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो है इंट्रॉन्स जो कि ब्लैंक स्पेसिस है और ये जो है एक्सॉन्स। अब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने का काम कौन करता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्दर ये जो है एक्सॉन्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेस। तो हमारे को इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग और टेलरिंग। टेलरिंग स्प्लाइसिंग और टेलरिंग का मतलब हुआ कि इस हेटरोजेनियस एमआरएनए की मॉडिफिकेशन होगी, फर्दर ये एमआरएनए बन गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि हेटरोजेनियस एमआरएनए नहीं बनता, डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, इसलिए वहां पे मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत। नाउ वी विल शो द स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। दिस इज कैप एंड दिस इज टेल, दिस इज कोडिंग रीजन। कैप इज मेड अप ऑफ मिथाइलेटेड गवनिन मॉलिक्यूल, मिथाइलेटेड गवनिन GUANI मॉलिक्यूल, एंड टेल इज मेड अप ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल। कैप एंड द टेल आर द नॉन कोडिंग रीजन एंड बिटवीन देम द कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी कोडिंग रीजन जो होता है फर्दर प्रोसेस करता है ट्रांसलेशन की हेल्प करने में। वी विल कंक्लूड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए, एंड व्हेन द ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस वी विल गेट द दैट इज हेटरोजेनियस एमआरएनए। हेटरोजेनियस एमआरएनए इज दैट एमआरएनए इन विच इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द एक्सॉन्स, देन फाइनली द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ। Now we have shown the structure of the mRNA, that is the cap is present and tail is also present. The cap is made up of methylated guanine molecule and the tail is made up of adenine molecule. Cap and the tail are the non-coding region and between them the coding region is present. Well students, I hope today you have enjoyed this lecture, and if you have any question regarding to this topic, that is transcription, you can ask me in the comment box and I will definitely reply to you. Thank you.